20 सितंबर को होने वाले भवानीपुर उपचुनाव का परिणाम यह तय करने वाला है कि ममता बनर्जी सीएम पद पर बनी रहेंगी या नहीं। नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी के लिए सीएम पद की कुर्सी छोड़ने का नैतिक दबाव तो बना, लेकिन भवानीपुर उपचुनाव हारने के बाद कुर्सी छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इस बार अपनी घरेलू सीट को चुना है, जहां से उनकी जीत की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए बड़ी तैयारी की है और आंकड़ों के हिसाब से भी इस उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत आसान नहीं लग रही है। दरअसल ममता बनर्जी के भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को लेकर मंथन शुरू कर दिया था। सबसे पहले ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की तलाश की गई और फिर प्रियंका टिबरेवाल के नाम पर सहमति बनी। इस उपचुनाव में भाजपा ममता बनर्जी को महिला कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसी वजह से प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा है। पेशे से वकील प्रियंका की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं है, लेकिन कोलकाता में उनकी अच्छी खासी पहचान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ उन्होंने न केवल आवाज उठाई बल्कि हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की, जिसके कारण इस हिंसा की सीबीआई जांच हो रही है। प्रियंका की ऐसी जुझारू छवि ने ममता बनर्जी के लिए चुनौतियाँ बढ़ा दी है। इसके साथ साथ भाजपा ने भवानीपुर विधानसभा सीट के समीकरण के लिए भी खास प्लान बनाया है। बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। अर्जुन सिंह को गैर बांग्ला भाषियों का बड़ा नेता माना जाता है। सालों तक ममता की पार्टी में रहे अर्जुन सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन थामा था और फिर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद अर्जुन सिंह के ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं और उपचुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उनके घर पर बम से हमला किया गया था। उनके पर्यवेक्षक बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि भवानीपुर सीट पर 40% से ज्यादा वोटर गैर बंगाली हैं। अर्जुन सिंह के पर्यवेक्षक बनने से इनके बीच भाजपा की बैठ बढ़ सकती है। अर्जुन सिंह के साथ सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके अलावा भवानीपुर सीट के 8 वार्ड की जिम्मेदारी भाजपा के एक एक विधायक को दी गई है। भाजपा की इस रणनीति के बाद अगर भवानीपुर पर ममता बनर्जी की पकड़ की बात करें तो लगातार उनका आधार खिसकता दिखाई पड़ेगा। यहां से 2011 के उपचुनाव में ममता ने जीत दर्ज की थी। उस उपचुनाव में ममता बनर्जी को 77% वोट मिले थे, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का वोट घटकर 48% हो गया था। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो भवानीपुर क्षेत्र में टीएमसी और भाजपा के बीच केवल 3000 वोट का ही अंतर रहा। हालांकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सोवन देव चैटर्जी को 57% और भाजपा को 35% वोट मिले, लेकिन आंकड़ों के उतार चढ़ाव से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भवानीपुर में भी खेला हो सकता है और ममता बनर्जी के लिए जीत की राह उतनी भी आसान नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।